सर आप क्या यहाँ ज्यादा प्रेफर करते हो, कंपनी या फिर फूड? दोनों चीजें सर, कंपनी और फूड दोनों। सुबह के बज रहे हैं 6 और वैभव मुझे उठा के ले आया है यहाँ पे। जो ये कैफे है पीछे आप नाम देख सकते हो, माइसोर कैफे, इसकी क्या स्पेशलिटी है यहाँ पे? सुबह अर्ली मॉर्निंग साइक्लिस्ट और जो भी रनिंग करते हैं यहाँ पे आसपास, साउथ एवेन्यू लेन है नियर राष्ट्रपति भवन, वहाँ पर ये है। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक यहाँ का डाल दूंगा। तो वैभव ने मुझे बताया कि यहाँ पे बहुत सारे साइक्लिस्ट मॉर्निंग में आते हैं, तो हम लोग भी सुबह सुबह अपनी स्कूटी जो पीछे खड़ी हुई है इस पे आ गए हैं। और यहाँ की जो भी स्पेशलिटीज़ हैं, सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे लोग ट्राई करना पसंद करते हैं वो करना पसंद करते हैं, यहाँ की फ़िल्टर कॉफ़ी और यहाँ की साउथ इंडियन डिशेज़ बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। तो अभी हम लोग अंदर चलेंगे, नॉर्मली जो हम लोग करते हैं, खाएँगे पियेंगे, रिव्यू लेंगे और ओनर से बात करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अब तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी लास्ट वीडियोस भी देखिए, कि बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी आ चुकी है। लास्ट में जो वीडियो मैंने डाली थी उसकी चीज़ मैगी और मोमोज सच में बहुत अच्छे थे ना? बहुत अच्छे थे। वी हैव ऑर्डर्ड मसाला डोसा, 2 फिल्टर कॉफ़ी और एक उपमा, और यहाँ पे जो ये रखे हैं सामने पकौड़े, तो ये सारी चीज़ें अभी आने वाली हैं। ये प्लेस इतना ज़्यादा बिजी है कि यहाँ पे अगर आप जो मेरे पीछे शोर सुन रहे, एक बहुत बड़ा ग्रुप आया हुआ है जिसके लिए अभी यहाँ के ऑर्डर बता रहे थे कि ये लोग यहाँ पे वीक में 3 से 4 बार आते हैं और यहीं पर इनके किसी कलीग का बर्थडे है, वो भी ये लोग यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये हमारा ऑर्डर आ गया है, सबसे पहले फिल्टर कॉफ़ी मेरी और ये भी वैभव की, और ये डोसे आ गए हैं, ये उपमा आ गया है और ये रहा हमारे पकौड़े। तो किससे शुरुआत करने वाले हैं हम लोग? पकौड़े से स्टार्ट करते हैं। क्या से पकौड़े? क्रिस्पी और काफ़ी अच्छे टेस्ट है, अलग तो है यार सच में। जो वो भजिया वाले पकौड़े होते ना वैसे से हैं कुछ है। सबसे देखते सबसे पहले डोसा के अंदर के मसाला डोसा है, ये स्टफिंग में अंदर डोसा की, कितने अच्छे तरीके से ये सारे का सारा मैश कर रखा है इन्होंने, बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से। काफ़ी अच्छा है। तो अभी वैभव सबसे पहले उपमा ट्राई करेगा यहाँ का, पहले एक बार दिखाओगे उपमा कैसे यहाँ का? उपमा का बहुत अच्छा टेस्ट लगा मेरे को, मतलब टेस्ट बहुत अमेजिंग सा है इसका। मैंने और जगह भी ट्राई करा बट ऐसा उपमा तो नहीं खाया मैंने। एक्चुअल में मैंने जो अभी उपमा खाया है उसमें इतना ज़्यादा लाइट है, मुँह में गया एकदम से मेल्ट हो गया, ऐसा कई बार घर पे नहीं मिल पाता। तो अभी सांभर की वैरायटी भी चेक करते हैं। काफ़ी अच्छा सांभर है यहाँ का, ओवरऑल जो भी सारी की सारी चीज़ें हैं टेस्टी है, यूनिक टेस्ट है, साउथ इंडिया का सारा टेस्ट आता है और मुझे तो काफ़ी पसंद आया यहाँ पे आना। और अगर आप एक अच्छे साइक्लिस्ट हो या रनर हो तो आप यहाँ पे आके ज़रूर इंजॉय कीजिए। पीछे हमारे कुछ लोग बैठे हैं जो बहुत यहाँ का फूड भी इंजॉय कर रहे हैं और साथ में अपनी बातें भी। तो यहाँ पे मॉर्निंग में मैंने अभी मॉर्निंग में देखा था बहुत ज़्यादा साइक्लिस्ट आ रहे थे और जो रनिंग करते हैं यहाँ पे राष्ट्रपति भवन के आसपास, इंडिया गेट के आसपास वो लोग आते हैं। तो वीकेंड पे तो ये लोग आते हैं सैटरडे संडे, वीकडेज में कौन लोग रहते हैं? वीकडेज में यहाँ हमारे शॉप के बगल में ही सेना भवन है, सेना भवन है, डीआरडी हाउस है और नेवी का बहुत सारे जो आर्मी रिलेटेड सब कुछ यहाँ है, उनके ऑफिसर्स हैं और वहाँ से हमें टेक अवे भी आता है, फैमिलीज भी आती हैं। कितने टाइम से ये आपका कैफे है यहाँ पे? मेरा 42 ईयर्स से कैफे चल रहा है। अच्छा,
क्योंकि मैंने अभी देखा था वहाँ पे बाहर जो हमारी एक्स पी एम है इंदिरा गांधी जी और संजय गांधी जी की भी फोटो यहाँ पे लगी थी, तो वो लोग भी यहाँ पे आए हैं, आप लोगों ने उन्हें भी सर्व कर रखा है अपना फूड? नहीं, ये बेसिकली ये मेरे फादर हैं। अच्छा, आपके फादर थे? फादर थे, ठीक है। उन्होंने सर्व किया। कितने टाइम से आपका कैफे है यहाँ पे? 42 ईयर्स से। अच्छा, तो मैंने यहाँ पे आपके उपमा खाया, डोसा खाया, पकौड़े खाए और कॉफ़ी, जिसमें कि कॉफ़ी, मैं कॉफ़ी लवर हूँ, मुझे कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो कॉफ़ी जो आपकी है वो जो नॉर्मल कॉफ़ी हम लोगों को यहाँ पे दिल्ली में मिल जाती है वैसे है, या फिर आप जो जो ट्रेडिशनल कॉफ़ी बनती है उस तरीके से आप बनाते हो? यहाँ पे ट्रेडिशनल कॉफ़ी कैसे बनती है, ये इनकी कॉफ़ी मशीन है, आप बताओगे थोड़ा सा? ये एक फिल्टर कॉफ़ी है। अच्छा, कावेरी कॉफ़ी है। अच्छा, तो हम इसको इस फिल्टर में डालते हैं। इस फिल्टर में? ये जो इसमें कितने पार्ट्स में है ये? ये टू पार्ट्स में है और ये ब्रास का बना हुआ है। टू पार्ट्स में और ब्रास का बना ब्रास का बना हुआ है और इसमें हम एक ये 200 ग्राम्स कॉफ़ी पाउडर है, कॉफ़ी डाल के और इसमें हॉट वाटर डालेंगे, थोड़ा कॉफ़ी हॉट वाटर और चीनी इसमें आप डाल देंगे। अच्छा, और जब ये फिल्टर होके यहाँ स्मॉल होल्स हैं, यहाँ पे होल्स हैं, स्मॉल होल्स हैं। अच्छा अच्छा, तो यहाँ से फिल्टर होके इस कंटेनर में जाता है और ये कॉफ़ी प्रिकॉशन है। अच्छा, ये अब ये कॉफ़ी बन चुके हैं? कॉफ़ी बन चुके हैं, सिर्फ दूध मिलाना रहता है इसमें, सिर्फ दूध और चीनी मिलाना बाकी। ओके, मेरे साथ यहाँ पे ऑलरेडी थोड़े से साइक्लिस्ट हैं, तो उनसे पूछते हैं कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या अच्छा है और वो क्या प्रेफर करते हैं खाना। तो भैया आप बताएंगे आप क्या लेते हैं सब? मैं मोस्टली सांभर वड़ा ही लेता हूँ। सांभर वड़ा जी। आप कहाँ से आते हैं? फरीदाबाद से। फरीदाबाद से कितना डिस्टेंस है यहाँ से? थोड़ा सा 25 किलोमीटर। 30 किलोमीटर। आप सारे फरीदाबाद से? आप सारे फरीदाबाद से? अच्छा, तो सबसे ज़्यादा आप मतलब ये ट्राई करते हो यहाँ पे? उपमा वड़ा। उपमा वड़ा, ये गुरमिंदर जी ये उपमा लेते हैं और ये सांभर वड़ा लेते हैं हम लोग। हमारा फेवरेट सांभर वड़ा है मैसूर। आपका फेवरेट सांभर वड़ा है? अच्छा, उसका रीज़न है क्योंकि सांभर वड़ा के लिए ये दिस मैसूर कैफे इज़ वेरी यू नो यू गॉट एथनिक टेस्ट, सो आपको ऐसा लगता है कि आप किसी साउथ इंडियन प्रॉपर जॉइंट में बैठे हैं। अच्छा अच्छा, साउथ का टेस्ट मिलता है। तो आप कितने टाइम से आ रहे सर यहाँ? हम लोग अबाउट 2 साल हो गए। 2 साल से एवरी वीकेंड नॉर्म, मतलब वी हैव अ डिफरेंट जॉइंट्स हियर, गो टू आंध्रा भवन मैसूर कैफे, 3-4 जॉइंट्स हियर, बट नॉर्मली वी दिस ग्रुप प्रेफर्स मैसूर कैफे। सैड संडेज को थोड़ा चैलेंज होता है क्योंकि बैठने की जगह नहीं होती काफ़ी। अच्छा, साइकिलिस्ट आज कम है लोग। आप क्या प्रेफर करते हैं आपको सबसे ज़्यादा खाना? मैं ज़्यादा प्रेफर यहाँ पे उपमा करता हूँ। उपमा एंड बड़ा। उपमा एंड बड़ा, या कॉफ़ी भी ट्राई करते हो अभी आप? क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ कि आपने फिल्टर कॉफ़ी भी ले रखी है। नहीं, कॉफ़ी मैं ज़्यादा प्रेफर नहीं करता बेसिकली, बट या पीपल कॉफ़ी जो है, कॉफ़ी इज वन ऑफ दी आई थिंक स्पेशलिटी आइटम हियर। फिल्टर कॉफ़ी लेने आना, वेरी टेस्टी। प्राइसेस के लिए क्या बोलेंगे? प्राइसेस अन्ना ने थोड़ा सा रेट ज़्यादा रखा है, बट हम लोग यू नो वैल्यू फॉर मनी। तो मेरे साथ निखिल है। निखिल के लिए अभी भैया बता रहे थे कि इनको डोसा इतना पसंद है यहाँ का कि ये जैसे ही यहाँ पे एंटर करते हैं इनके लिए डोसा बनकर आ जाता है। आपकी एज क्या निखिल? अभी 15 इयर्स। 15 इयर्स, तो आप लोगों ने अपने ग्रुप का कोई नाम रखा हुआ है अभी? DFCC, डिकैथलॉन फरीदाबाद साइकिलिंग कम्युनिटी। DFCC? यस। उसमें मतलब आप 15 हो और मैक्सिमम एज कितनी है? मैक्सिमम अराउंड 50 अबव ही है। 50 अबव है, आप भी मतलब 50? यस, 60 तक है। 60 तक। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप सारे के सारे यहाँ पे मिलकर मतलब एक संडे के दिन, क्योंकि अगर मैं मेरे फादर के जो फ्रेंड हैं या कोई है वो सारे 50-60 की एज के होंगे, लेकिन मैं उनसे इतना मतलब बात नहीं कर पाता। आप यहाँ पे नॉर्मल फील करते हो? यस यस, सब नॉर्मल। बहुत ज़्यादा ब्रदर पापा, ब्रदर पापा जैसे हैं सारे। हाँ, आप उन्हें नाम से बुलाओ, जी लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। कौन सी क्लास में हो अभी? अभी 10th में। 10th में, चलो ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर और बोर्ड। आप लोगों ने क्या क्या लिया है? मैं तो हमेशा डोसा रहता हूँ। आपका भी डोसा रहता है, और डोसा के लिए आप मतलब यहाँ पे क्या बताओगे कि कैसा है, प्रेफर करना चाहिए? नॉर्मल आज तो एक हॉबी के लिए आप यहाँ पे आए हो, लेकिन अगर आप वैसे आते हो खाने आते हो तो आप प्रेफर करोगे लोगों को? बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे, क्योंकि यहाँ का टेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट है बाहर के टेस्ट से। बाहर के मतलब दिल्ली के या फिर और दिल्ली के टेस्ट से? क्योंकि ये आज से नहीं खुला, ये मेरे ख्याल से इंदिरा गांधी के टाइम से खुला। ये 42 ईयर्स हो गए इसे। हाँ, तो तब से लेकर आज तक इसका टेस्ट ना तो कोई बदला है, आज तक वैसे वैसा का वैसी टेस्ट है।
तो अगर कुछ नया आप ट्राई करना चाहते हो तो माइसोर कैफे में आप मॉर्निंग में आ सकते हो। वैसे ये पूरे के पूरे दिन में खुला रहता है। यहाँ के जो प्राइजेज है वो 20 rupees से स्टार्ट होते हैं और 80 मैक्सिमम है यहाँ पे डोसा, जो भी आप खाना चाहते हो। तो पॉकेट फ्रेंडली ये कैफ़े है, यहाँ पे बनता बहुत अच्छे तरीके से, कॉफ़ी सच में यहाँ की लाजवाब है। और यहाँ पे जो डोसा है वो भी इनके सारी की सारी चीज़ें ग्राइंडिंग वगैरह सब इन हाउस ही होती है। तो एक ऑथेंटिक, अगर साउथ इंडियन आप खाना चाहते हो दिल्ली में तो यहाँ ज़रूर आ सकते हो। इसके अलावा अगर ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी है तो लाइक कर दो, और भी अच्छी लगी तो शेयर कर सकते हो। और अगर आप यहाँ पे आना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मैं ऑलरेडी लिंक दे दूँगा।